नमस्कार किसान साथियों, स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपका एक और फिर से नई वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज की वीडियो आपने थंबनेल के ऊपर देख ही लिया होगा कि किस प्रकार से जो वीडियो है हमारी वो है। अब दिखा देता हूँ कि क्या हुआ है हमारे प्लांट के अंदर और किस लिए जो हमारा प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है। सबसे पहले तो ये देख सकते हो कि डिरी जो है हमारे पौधे की वो किस इस प्रकार से डैमेज हो चुकी है और किस कारण डैमेज हुई है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ और बता देता हूँ कि किस प्रकार से आप इसको सही कर सकते हो। दोस्तों, ये एक लट का प्रभाव है, इल्ली वगैरह का प्रभाव है जो कि क्या करती है डायरेक्टली। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक डिरी है, ठीक है, डिरी के यहाँ से ये इंटर करेगा, ठीक है, डिरी के यहाँ से इंटर करेगा और डायरेक्टली इस तने के अंदर से होते हुए पौधे के नीचे तक जाके इस पौधे को पूरा ख़राब कर देगा गाइस। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि इसमें कोराजन के साथ में आपको देना है कोबरा और इमामेक्टिन बेंजोएट, ठीक है, एक चम्मच वो देना है, 5 ml कोराजन देना है, 25 ml आपको कोबरा देना है। तीनों का स्प्रे एक साथ कर दीजिए, 15 दिन तक कोई भी स्प्रे नहीं करना है आपको उसके अंदर। बाकी उसके साथ में आप 19-19 ले सकते हो, 12-61 ले सकते हो, 52-34 ले सकते हो, किसी भी प्रकार का आपको खाद ले सकते हो उसके अंदर, कोई भी समस्या नहीं आएगी गाइस। क्योंकि पौधे को हम बनाने के लिए हम कितने खाद वगैरह स्प्रे वगैरह कर देते हैं लेकिन जो मेन स्प्रे वगैरह होते हैं वो हम नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि मेरी वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि आपको मैं ऐसे ऐसे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स बताऊंगा जिससे आपका प्लांट ग्रोथ और प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कमेंट और शेयर नहीं किया हो जल्दी से जाके आप इल्ली फेंक के लाइक करो या फिर कोराजन फेंक के सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता, लाइक हो जाना चाहिए। धन्यवाद।